लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे गर्मी में डायबिटीज़ के मरीज पिए ये तीन ग्रीन जूस कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो उत्तर भारत में भीषण गर्मी लू और धूप का कहर जारी है इस मौसम में पसीना बहने की वजह से ज़्यादातर तो लोग डिहाइड्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं गर्मी के मौसम में एक स्वस्थ इंसान से ज़्यादा परेशानी डायबिटीज़ के मरीजों को होती है पसीने की वजह से होने वाली डिहाइड्रेशन डायबिटीज़ के लक्षणों को बढ़ा देती है इसकी वजह से कई बार ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है अब मौसम गर्मी का है तो कोल्ड ड्रिंक जूस और बाज़ार में मिलने वाले कोला कसेबन डायबिटीज़ के मरीज़ भी बिना कुछ सोचे समझे करते हैं ऐसे लोग ये बात भूल जाते हैं कि इस तरह के ड्रिंक में पहले से ही चीनी की मात्रा अधिक होती है तो आपके ब्लड शुगर को और ज़्यादा बढ़ा सकती है इस स्थिति में डायबिटीज़ के मरीज़ अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आखिरकार गर्मी के मौसम में कौन सा जूस पीना चाहिए जो ना सिर्फ शरीर को हाइड्रेट रखे बल्कि ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करें आपके अगर आपके मन में भी इस तरह का ख्याल है तो हम आपको बता रहे हैं कि गर्मी के मौसम में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए ग्रीन जूस का सेवन कर सकते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए तीन ग्रीन जूस हैं तो पहला जूस है करेले का जूस जो कड़वा होता है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए करेले का जूस सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है करेले के जूस में इंसुलिन जैसा प्रोटीन पाया जाता है इस प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है यही वजह है कि करेले के जूस का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है डाइटिशियन भी जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो भी वो ही बोलती हैं गर्मी के मौसम में डायबिटीज़ के मरीज सुबह खाली पेट करेले के जूस का सेवन करें तो यह ना सिर्फ शरीर को हाइड्रेट रखता है बल्कि ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है दूसरा जूस है पालक और केले का जूस पालक और केला दोनों ही हरी सब्जियां हैं इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके जूस का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है पालक और केले का जूस में कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है इसलिए इसका सेवन करने से वेट लॉस में भी मदद मिलती है तीसरा जूस है आमले का जूस आमला डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है गर्मी में मौसम गर्मी के मौसम में आमले को जूस का सेवन करने से शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है दरअसल आमले में क्रोमियम तत्व पाए जाते हैं ये तत्व शरीर में इंसुलिन हार्मोन को मजबूत करके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं साथ ही आमले के जूस में एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं इसकी वजह से भी डायबिटीज़ के रोगियों को फ़ायदा मिलता है डायबिटीज़ के मरीज़ गर्मी के मौसम में रोजाना 50 से 60 एम आमले का जूस का सेवन कर सकते हैं उससे ज़्यादा क्वांटिटी मत करें उससे अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है तो ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद